नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला के कुरुम्बर में पुलिस की बर्बरता। कुरुम्बर थाना प्रभारी ने पिता पुत्र सहित चार लोगों की पिटाई, पिता गंभीर रूप से घायल। चैनपुर प्रखंड के कुरुम्बर थाना प्रभारी पर चार लोगों को पीटने का आरोप लगा है। कुरुम्बर थाना क्षेत्र के सिविल सकरा निवासी नरेंद्र सिंह का आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। थाना प्रभारी के पिटाई से घायल सभी का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वह रविवार को अपने जमीन पर पीएम आवास निर्माण के लिए पिलर खड़ा कर रहा था। गांव के ही रविंद्र सिंह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर पहुंचा। सभी के हाथ में पत्थर था। रविंद्र ने घर निर्माण का काम करने से मना करने लगा। जमीन को लेकर विवाद बढ़ रहा था, जिसके बाद रविंद्र ने थाना को फोन किया। पुलिस फोर्स के साथ थाना प्रभारी कार्यस्थल पर पहुंचे और अनाप शनाप बोलने लगे। थाना प्रभारी ने गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि तुम वीडियो को घूस देकर मकान पास कराए हो, कितना घूस दिए हो बताओ, तुम पर केस करेंगे। इस पर मैंने कहा कि वीडियो को हम कहां से पैसा देंगे, आम सभा में मेरा मकान पास हुआ है। इसके बाद मेरा मोबाइल पटक दिया, मेरी बच्ची आयुषी कुमारी पर हाथ उठाया। पीड़ित नरेंद्र ने आगे कहा कि थाना प्रभारी ने मेरे दामाद को भी मारा। इसके बाद मुझे और मेरे बेटे भीष्म सिंह थाना ले गया और दौड़ा दौड़ा कर मारा, रात में टान कर पिटाई की, जिससे पूरा शरीर का बाम उखड़ गया है। इस संबंध में गुमला एसपी ने ऑफ कैमरा बताया कि इस संबंध में चैपनूर एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया गया है। जांच के बाद थाना प्रभारी में कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी की नहीं है। चैनपुर एसडीपीओ से जब कुछ पूछे जाने जवाब देने से कतराने लगे और बोले, मैं इस विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। चैनपुर से संवाददाता निखिल सिंह की रिपोर्ट। मेरा ये जो क्लाइंट है नरेंद्र सिंह, इसका एक जमीन है जो इसको भूदान में मिला है और उस पर इसके गोतिया कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वो वहाँ के थाना प्रभारी जो श्री विजेतन नामक थाना प्रभारी हैं, वो इन लोगों को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इनके पुत्र को भी ले जाके थाना में इतना टॉर्चर किया गया था, पूरे थाना में इनको दौड़ाया गया था और जब वो मरने के कगार पे आया था तब उनको छोड़ा गया था। ये सब बातों को लेकर इसके द्वारा हमने एक कंप्लेन केस न्यायालय में दाखिल किया है इसकी ओर से, जिसमें इनके जो भैयाद हैं और उन पर केस किया गया है और साथ में ही थाना प्रभारी और उस बीट का चौकीदार पर भी ये केस लाया गया था। उसके बाद जब ये लोग अपना घर बनाने गए हैं तो उनको थाना प्रभारी के द्वारा थाना में ले जाकर मार के इसको इंजर्ड कर दिया गया है, इसका हाथ तोड़ दिया गया है और अभी भी उनका कहना है कि वो जमीन तुम छोड़ो। तो इस तरह से पुलिस जो जनता का रक्षक है वो भक्षक बन चुकी है। इस पर लगाम लगनी चाहिए और उक्त थाना प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार सिन्हा। घर बनाए कर काम चलत रहा कुछ नहीं, तेकर काम करत रही, तेकर मोर विपक्षी पार्टी के लखन मेरा जमीन है बोल के वो धावा बोल रहा था। फिर हम लोग बोले कि ये इंदिरा आवास और बी डी ओ साहब भी बोले हैं तुम्हारा जमीन है, अपना काम करो। फिर थाना वाला को फोन करके बोला था बड़ा बाबू को, फिर वो भी बोला कि यानी बी डी ओ तुम लोग मिल के ये सब काम कर रहे हो, बी डी ओ और आप लोग को भी साथ जेल भेजेंगे, ऐसा बात कर रहा था। जब भी थाना बुलाता है माँ बहन का भी गाली देता है। थाना से आया वो लोग, थाना को सूचना किया और थाना से आया और 10-12 फोर्स आके उधर काम तरह मारपीट करके फिर थाना ले के, थाना में भी मारपीट बहुत ज़्यादा किया। मेरे पापा का हाथ भी क्रैक हो गया है। तुमको क्या किया? दौड़ा दौड़ा के मारा है हम सब, और उसको भी इधर फील्ड में मार दिया है उसको। मतलब जो मैया तुम्हारा भतीजी बेटी उन लोग को भी मारपीट किया है? हाँ, वो लोग और मेरा दामाद को भी मारा है, वो जो रोड में था उसको। क्या नाम है तुम्हारा? राजना है। हमारे पिलर खड़ा करत रही अगुआ आवास, हमार पत्नी का नाम से मिल है, तो हमारे तीन को पिलर खड़ा कर रही और मोर एगेंस्ट पार्टी रविंदर सिंह और सुबोध सिंह अलग और कहलक कि तोर बाप कर जमीन ना लगे, मोर जमीन है कि यहाँ पिलर मत खड़ा कर, हथियार मैंने टांगी है लाठी लेके दी। तो हमरे खड़ा होकर कहली कि हमार जमीन है क्या, हमके अधिकार है, हमार जो रसीद है से चलते हम बना थी। तो तुरंत फोन उठा लगे, दरोगा के फोन कर लग, फोन कर लग, दरोगा कहलक आवाज़े में बात करत रहे मोबाइल से, तुरंत जा रहा है फोर्स टंगिया बुलवाली के अलग से गिरीस अलग, उसके बाद में फोर्स के साथ अलग कर आर उसी कुमारी के पहले मारलक
जो मोर नतनी ना के सके और दामाद रोड में खड़ा हो के देखते रहे वो जमीन में नहीं रहे, रोड में खड़ा रहे उके मारलक और हमारे दुयो बाप बेटा के उठालक पुलिस और लेके मोटरसाइकिल से उतरियो नहीं रही और डंटा लेके पहले हैं खड़ा रहे थाना में और दौड़ाई दौड़ाई के मारे शुरू करलक दोनों बाप बेटा के और भीषम कुमार के दुयो हाथ के बांध के पिलर में टांग के मारे रहे। तोरका नाम नरेंद्र सिंह तुरका हाथ पीठ है और जान में पूरा दुयो हाथ में यहाँ भी डंटा कर दाग है। यह हो के रेखा है लेकिन